हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मोबाइल फोन से ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। ये है 3D ग्लास स्क्रीन मैग्नीफायर जो कि मैंने स्नैपडील ऐप से बाय किया है। इसको पीछे से मोबाइल फोन रखना होता है और आगे से इसका ग्लास लेंस दिया होता है जिससे स्क्रीन का साइज बड़ा होता है और जिससे ये मोबाइल स्क्रीन के साइज को बड़ा दिखाता है यानी कि स्क्रीन साइज को लार्ज कर देता है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग यूज और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से इसको इस तरह से काट लूंगा। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे टोल फ्री नंबर, सिटी कोड, थैंक यू फॉर परचेज और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। इसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 3D मोबाइल फोन वीडियो एनफिलर एनलार्ज स्क्रीन मैग्नीफायर। यहाँ पे इसका यूज स्टेप्स लिखे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन लिखा है। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन यानी साइज और फीचर्स के बारे में लिखा है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसका प्राइस 240 रुपीज है। इसका नाम 3D ग्लास मैग्नीफायर। ये 2D वीडियो सपोर्ट करता है। इसका मटेरियल प्लास्टिक है, लेंस ट्रांसपेरेंट, वेट 200 ग्राम, साइज का लेंथ है 10.2 इंचेस, ब्रेड्थ 6.8 इंचेस। इसको आप किसी भी मोबाइल स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको खोल लेता हूं। तो यहां पर इसका मोबाइल रखना होता है। पीछे से यहां पे एक स्टैंड दिया हुआ है छोटा सा। इसके बाद इसको इस तरह से यहां पे लेंस दिया हुआ होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको किस तरह से यूज करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से यहां पे मोबाइल होल्डर होता है, इसी के साथ यहां पे एक छोटा सा स्टैंड दिया हुआ होता है। इसके बाद मैं इसको इस तरह से खींच लेता हूं तो यहां पे ये लेंस दिया हुआ होता है। तो यहां पे मैंने इसको इस तरह से रख लिया और यहां पे मेरा ये मोबाइल है। इसको मैं इस तरह से पीछे से रख देता हूं। तो यहाँ पे मैंने पीछे से मोबाइल लगा दिया और यहाँ पे ये आगे से लेंस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा स्क्रीन आ गया। इसके बाद ये है इसका ब्लोवर अटैचमेंट होता है जो इसके पीछे से लगता है। तो यहाँ पे ये पीछे से मोबाइल का स्क्रीन है छोटा सा और यहाँ पे इसका एक लेंस है। वैक्यूम क्लीनर का मेन फंक्शनेबल पार्ट दिखाएंगे।